सिंह देव ने साफ ये कह दिया है कि मामला समाप्त हो चुका है। हालांकि अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अब देखिए टीएस सिंह देव ने एक बड़ा दिल दिखाया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस विधायक ने गंभीर आरोप लगाए उस विधायक ने जब माफी मांगी तो टीएस सिंह देव बिना कुछ सोचे एक बार वापस विधानसभा पहुंच चुके हैं और ये भी कहा है कि मामला समाप्त हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने इस बात पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उन्होंने विधायक को माफ कर दिया या नहीं किया। शरद जी, देखिए इसका मतलब बहुत साफ है, बॉटम लाइन यही है कि आपसे जब ये पूछा गया टीएस सिंहदेव से कि बृहस्पत सिंह को आपने माफ किया कि नहीं, तो वो मुंह फेर कर कैमरों से चल दिए, यानी मैसेज साफ है कि उन्होंने बृहस्पत सिंह को माफ नहीं किया है। और ये जो सारा उन्होंने निर्णय लिया है, ये केंद्रीय नेतृत्व आला कमान और पीएल पुनिया चूंकि बैठे ही हैं रायपुर में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन सबके बीच चर्चा के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी और सोनिया जी की तरफ से भी मैसेज रहा होगा कि यही एकमात्र देश में सरकार है जो 3/4 बहुमत से बनी है। करीब करीब 70 विधायक हैं कांग्रेस के 90 सदस्यीय विधानसभा में और 14 मात्र बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जैसा हमने एक दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को सुना था कि बीजेपी के 14 विधायक 14 आंदोलन भी करते छत्तीसगढ़ में, तो उतना धक्का नहीं पहुंचता सरकार को जितना इस घटनाक्रम से पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर सोनिया जी और राहुल जी की तरफ से भी मैसेज रहा होगा टीएस सिंहदेव के पास कि इतनी व्यवस्थित और इतने भारी बहुमत से जीती सरकार को लेकर कहीं कोई प्रश्न ना उठे, सिंहदेव जी तो कृपया करके इस विषय को अभी सुलझाइए, आपकी जो भी पीड़ा है, आपकी जो भी तथाकथित उपेक्षा है रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, हम उसको सुलझाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता जताते हैं, आप बड़े मन के राजनेता हैं, कृपया करके इस गतिरोध को समाप्त करें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि सिंहदेव अपनी नाराजगी को भी बताते चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बृहस्पत सिंह के माफी मांगने से ये मामला समाप्त हो गया। भले ही ये पटाक्षेप हो गया इस मामले का सदन में आने से टीएस सिंहदेव के, जो एक दिन पहले ये कहते हुए सदन में चले गए थे कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है इस मामले में वो सदन नहीं आएंगे, लेकिन प्रश्न अपनी जगह है कि बृहस्पत सिंह ने ऐसा क्यों किया कि टीएस सिंहदेव के इशारे पर उन पर प्राण घातक हमला कराया गया, या ये कहने की जरूरत क्यों थी, क्यों कहा गया। और एक गैर वांछित, अवांछित, अनवांटेड डिस्प्यूट छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में क्यों पैदा किया गया, ये सारे सवाल आला कमान के सामने होंगे। आला कमान उन पर विचार करेगा, क्योंकि आप आग को जब राख ऊपर हो जाती है तो ये नहीं समझना चाहिए कि भीतर अग्नि जो है वो शांत हो गई है। कई बार राख की परतें जब हटती हैं तो फिर आग भड़क उठती है, तो हाईकमान जानता है ये चीज। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय दिया जाना चाहिए और ये सारे विषय को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का रूप टीएस सिंहदेव ने दिखाया है, उन्होंने मैसेज दिया है कि सब्र की एक सीमा होती है, और अगर मुझे मेरे जैसे व्यक्तित्व के साथ भी अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो मैं अपना ये स्वरूप भी प्रकट करके अपनी नाराजगी खुल के जता सकता हूँ। बिल्कुल शरद जी, एक और ध्यान देने वाली बात है, मोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे तो बता रहे थे कि ये पूरा स्क्रिप्टेड हुआ है। तो एक मैंने भी इस बात को गौर किया कि सुबह से जब कार्यवाही जारी थी विपक्ष ने काफी ज्यादा हंगामा किया, लेकिन सत्ता पक्ष जो था वो शांति से बैठा रहा। उसके बाद अचानक से बृहस्पति सिंह, जो कि कल नहीं आए थे सदन में, वे आ जाते हैं और उन्होंने माफी मांगी, जिसके बाद टीएस सिंह देव अपने बंगले से रवाना होकर सदन पहुंचते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए मुझे लगता है सुबह 9:30 बजे तक मैसेज ये साफ था, हमारी भी बात जो टीएस सिंहदेव करीबी सूत्रों से हो रही थी तो ये मैसेज बहुत साफ था कि टीएस सिंहदेव नहीं जाएंगे विधानसभा, और उनकी तरफ से जो विधेयक आना था, मेडिकल बिल जो आना था, मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल जो स्वास्थ्य मंत्री के नाते टीएस सिंहदेव को प्रस्तुत करना था विधानसभा में बुधवार को, उसकी जगह उनकी तरफ से सूचना भी चली गई कि उसको रविंद्र चौबे जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रस्तुत करेंगे, और ये विधानसभा सचिवालय को ये सूचना भी टीएस सिंहदेव की तरफ से भेज दी गई कि अपरिहार्य कारणों से वो विधानसभा में उपस्थित नहीं होंगे, और जो मेडिकल बिल उनकी तरफ से बतौर स्वास्थ्य मंत्री आज प्रस्तुत होना था उसको रविंद्र चौबे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन 9:30 बजे के बाद का जो घटनाक्रम है वो बड़ी तेजी से घटता है,
और शायद जिस खबर की प्रतीक्षा टीएस सिंहदेव कर रहे थे तब तक वो खबर उनको 9:30 बजे सुबह तक नहीं मिली थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद ये खबर हमें भी सिंहदेव जी के करीबी सूत्रों से मिलती है कि अब वो विधानसभा जा भी सकते हैं। तो हम भी ये समझ गए थे, लेकिन फिर भी चूंकि राजनीतिक खींचतान थी तो कई बार खबरों के बारे में आपको रुकना पड़ता है, तो ये सूचना हमारे पास भी थी कि अब ये स्थिति है कि वो जा भी सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सुबह 9:30 बजे के बाद कोई राजनीतिक संदेश टीएस सिंहदेव तक पहुंचा है जिसको वो सुनना चाहते थे, और वो संदेश यही था कि बृहस्पत सिंह माफी मांगे, रिटर्न में दें, और भविष्य में उनको या तो टिकट ना दिया जाए या उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और ये उनको आश्वस्त किया जाए टीएस सिंहदेव को कि उनके साथ ऐसी अभद्रता भविष्य में कोई नहीं करेगा। और भी जो राजनीतिक बातें हुई होंगी जो पर्दे के पीछे आप और हम समझते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें अपने मन की बातें सिंहदेव ने कही होंगी, तो उन सारी बातों को लेकर भी पीएल पुनिया और आला कमान की तरफ से एक साफ संदेश मिला कि आप आगे बढ़िए सदन के लिए, हम इन सारे विषयों को सुलझा लेंगे। तो मुझे लगता है 9:30 बजे तक गतिरोध था, उसके बाद ये तेजी से सुलझा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि टीएस सिंहदेव बृहस्पति विवाद मामले में अब एक और अच्छा और नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब टीएस सिंहदेव सदन पहुंच चुके हैं। बृहस्पति सिंह ने उनसे माफी मांग ली, कहा कि भावावेश में आके मैंने इस तरह का बयान दिया था। तो सदन पहुंचने पर क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने, सुनिए। मामला तो समाप्त है, उसका प्रत्यक्षेप हो चुका है, अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है, ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। मामला समाप्त हो गया, प्रत्यक्षेप हो गया सदन में, बाकी तो आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से, लेकिन क्या लगता है आपको? मामला तो समाप्त है, उसका प्रत्यक्षेप हो चुका है।